हाँ तो भाई, क्या हाल चाल है? वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का सवाल था, हमने अपना करियर शुरू करना तो हम किस लैंग्वेज को चूज़ करें, टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री। सो यू गाइस कैन हैव अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया ऑन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑप्ट फॉर। दिस इज अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी मार्केट, सो यू गाइस कैन हैव अ बेटर आइडिया कि पाकिस्तान की मार्केट के हिसाब से आप लोग को अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है। सो आई एम गोना गो फ्रॉम 5 to 1। नंबर 5th वुड बी PHP। अगर आप आज से कुछ तकरीबन कह लें 15 से 20 साल पहले चले जाएं, लेट्स से अर्ली 2000s में चले जाएं, PHP वॉज द ओनली लैंग्वेज जिस पे डेवलपमेंट हो रही थी। उस दौर की कोई भी टेक्नोलॉजी उठा लें जो अभी भी दुनिया में चल रही है, लेट्स से फेसबुक, वन ऑफ द मेन लैंग्वेजेस दैट फेसबुक वाज बिल्ट ऑन वाज PHP। चाचू मार्क हैं, उन्होंने PHP ऑप्ट की फेसबुक बनाने के लिए। उस जमाने में PHP वाज द बेस्ट सर्वर साइड लैंग्वेज दैट यू कुड ऑप्ट फॉर। उसकी सपोर्ट, उसकी डेवलपमेंट, ऑल्सो इट इज़ क्वाइट यूजर फ्रेंडली एज वेल। मैंने खुद PHP में कुछ 6-8 महीने काम किया है। इट यूज़ टू बी वन ऑफ माई फेवरेट, एक्चुअली ओनली फेवरेट लैंग्वेज, क्योंकि मैंने सीखना ही वही शुरू की थी। हुआ क्या, अर्ली 2000s के बाद PHP में काम शुरू होता गया, वो मशहूर होती गई, उसकी सपोर्ट आती गई, कम्युनिटी बढ़ती गई। और बाय द वे, हमारी फील्ड में ना कम्युनिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। आपकी जो डेवलपर्स की कम्युनिटी है ना, दे आर लाइक सो हेल्पफुल। जितनी ज़्यादा सपोर्ट होती है ना जिस भी लैंग्वेज में, उतना ही ज़्यादा उसका स्कोप हो जाता है। 2008-2009 तक PHP ने काफ़ी ज़्यादा होल्ड कर लिया था मार्केट में। हर दूसरा बंदा जब भी बैकएंड पे आता था तो वो PHP आता था। उसके फ्रेमवर्क्स मशहूर होने लग गए थे। लारावेल इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट फेमस फ्रेमवर्क्स, और उसके बाद कोड इग्नाइटर है। फिर क्या, फिर होता ये है कि इन सब के दरमियान एज इट वॉज प्रोग्रेसिंग, एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है दुनिया में, जिसको आज वर्डप्रेस के नाम से जाना जाता है। वेब डेवलपमेंट के लिए होता क्या था, हर कोई वेब डेवलपमेंट नहीं कर सकता था, इट्स स्टिल नॉट ईजी, लेकिन हर कोई चाहता था कि उसकी एक वेबसाइट ज़रूर। मार्केटिंग प्रॉपर्टी वाले हो गए, शॉप ओनर्स हो गए, आईटी का बूम आ रहा था, एवरीबडी वांटेड के यार उनकी एक अपनी पर्सनल वेबसाइट हो, अपनी मार्केटिंग कर सके, अपनी सेल्स कर सके। लेमैन था वो उस चीज़ को भी समझ जाता था आराम से। वर्डप्रेस रिलेटिवली इजी, डेवलपर्स कम थे उसके, सिंस वर्डप्रेस वाज आल्सो बिल्ट ऑन PHP, तो PHP को तो 4 चांद लग गए। मजीद वेबसाइट्स बनाना आसान हो गई, हर कोई अपनी वेबसाइट बना के होस्ट करवा लेता था, बिजनेस एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लग गया। जितनी भी मार्केटिंग सर्विसेज थी उन्होंने, उन सब ने वर्डप्रेस चूज़ किया। वर्डप्रेस आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे देता है जिसमें आप थोड़ा सीख सूख के खुद भी मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, कोई तस्वीर लगानी, उतारनी, प्रमोशन करनी, कोई डिस्काउंट कार्ड्स बांटने, कुछ भी करना, तो वो बहुत आसान हो गया था। सब कुछ वर्डप्रेस पे बनने लग गया, PHP यूज़ होने लग गई, इसकी डिमांड बढ़ती गई, मार्केट वैल्यू बढ़ती गई, इसकी वर्थ बनती गई। लोग मजीद, जो भी डेवलपर्स आते थे वो PHP सीखते थे, आते इंडस्ट्री में। करते 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 इट केम डाउन टू अ पॉइंट कि हर जगह PHP, हर सॉफ्टवेयर हाउस में आपको PHP डेवलपर्स या वर्डप्रेस डेवलपर्स मिल जाते हैं। कमिंग डाउन टू द फोर्थ वन वुड बी जावा। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है ना, वो मोबाइल डेवलपमेंट में यूज़ हुई है। नेटिव एंड्रॉयड एप्लीकेशंस जो भी डेवलप करते हैं, जिस पे वो एप्लीकेशंस बनाते हैं, वो जावा होती है। एंड्रॉयड स्टूडियो जो यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि मैं क्या बात करूँ। इवन मैंने भी जब अपने यूनिवर्सिटी में मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ा था, तो मैंने भी जावा ही यूज़ की थी वो 4 महीने 6 महीने का जो सेमेस्टर होता है उसमें। लेकिन मेरा कोई खास लगाव उससे नहीं लग सका, तो मैंने फिर आई डिडंट ऑप्ट फॉर मोबाइल डेवलपमेंट। पाकिस्तान में जावा पर भी काम हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, आने वाले वक्तों में काम इंक्रीज़ होगा। मैं बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं पाकिस्तान के, जिस तरह सिस्टम्स लिमिटेड हो गया, नटसोल हो गया, ये लोग जावा पे काम कर रहे हैं। जिस भी सॉफ्टवेयर हाउस में नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो रही है ना, या उसका कोई प्रोडक्ट है, वो जावा ही होगा, क्योंकि दैट सपोर्ट्स ओनली जावा। तो जावा को मैं नंबर 4th इसलिए दिया है। उसके बाद आते हैं नंबर 3 पे आई वुड से C#, बहुत मशहूर लैंग्वेज है, और ये मोस्टली जो है ये प्रोडक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, मैंने अभी तक जितना नोटिस किया है। लेकिन इस पे वेब डेवलपमेंट का भी काम हो रहा है काफ़ी, बट मोर देन वेब डेवलपमेंट द प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज़ बीइंग डन ऑन C#.net। लाहौर में बहुत टॉप सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, नेटसोल इज़ वन ऑफ दो सॉफ्टवेयर हाउसेज, कॉन्टूअर टेक्नोलॉजीज जो हैं वो भी C# पे बहुत काम कर रहा है। बेसिकली जितने भी आपके प्रोडक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं ना, जो कि किसी का प्रोडक्ट खुद बनाकर उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या उनका अपना प्रोडक्ट भी है इवन, वो ज़्यादा C# पे ही काम कर रहे हैं, तो उनको डेवलपर्स भी उन्हीं के चाहिए होते हैं। और ये बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज जिनका मैंने नाम लिया। नंबर 2 वुड बी पाइथन, वन ऑफ माई फेवरेट्स। पाइथन मैं नंबर 2 पे इसलिए लेके आया हूँ, जो ज़माना आ रहा है फ्यूचर, वो आ रहा है AI का, वो आ रहा है ML का। मशीन लर्निंग तो अब आप कह लें
आने वाले 10 साल जो होंगे ना आईटी पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री है वो मशीन लर्निंग पर ही बेस्ड होंगे। हर सॉफ्टवेयर हाउस की कोशिश है कि उसके पास कोई एक मशीन लर्निंग का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई काम हो, कोई सर्विस हो जो कि वो प्रोवाइड कर सके। इसके डेवलपर्स बहुत कम हैं पाकिस्तान में, और जो हैं वो या तो पाकिस्तान से बाहर होते हैं। टू सम एक्सटेंट बहुत काम हो रहा है पाकिस्तान में भी, इस पर उस लेवल का काम नहीं हो रहा अभी जो कि यूरोप में या अमेरिका में या फार ईस्ट में चले जाएं उधर हो रहा है। और जहां पर मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट आता है वहां पर पाइथन ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाइथन में जो पूरी दुनिया में लाइब्रेरीज बिल्ड हो चुकी हैं मशीन लर्निंग के लिए, आपके डाटा एनालिटिक्स के लिए, आपके स्टैटिस्टिक्स के लिए, वो कोई और लैंग्वेज सपोर्ट नहीं देती। इसलिए पाइथन इज़ द फ्यूचर। जो भी बंदा मशीन लर्निंग में आना चाहता है उसको पाइथन सीखना लाजमी। पाइथन की वेरियस लाइब्रेरीज हैं मशीन लर्निंग के लिए। वन ऑफ द मोस्ट फेमस और जिस पे काम बहुत ज़्यादा हो रहा है वो टेंसर फ्लो है। टेंसर फ्लो लाइब्रेरी बहुत यूज़ होती है इस काम के लिए। फिर इमेज प्रोसेसिंग पे आते हैं। इमेज प्रोसेसिंग के लिए पाइथन बहुत यूज़ हो रही है, ओपन सी वी लाइब्रेरी, उसके बाद साइकिट, ये लाइब्रेरीज हैं बहुत फेमस लाइब्रेरीज हैं पाइथन की जो कि ओपन इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होती हैं। एग्रीकल्चर में बहुत काम हो रहा है इस चीज़ पे। लोग अपने खेतों की निगरानी के लिए भाई ये ड्रोन श्रोन की मदद लेते हैं खेतों को, मतलब एकड़ों में तो ज़मीनें होती हैं तो बंदा जाके चेक करे पत्ते ख़राब हैं या सही हैं बीच में खेत के, वो ड्रोन भेजते हैं, उसका बैकएंड पे प्रोसेस हो रहा होता है, इमेजेस इमेजेस खींचते रहते हैं, इमेज प्रोसेसिंग लगी होती है बैकएंड पे, पता चल जाता है ब्राउन पत्ता तो इसका मतलब ख़राब हो रहा है ये साल, जो भी उनके पॉइंट्स होते हैं, जो भी उनका थ्रेशहोल्ड होता है रीच करने के लिए। तो ये इस पे बहुत काम हो रहा है एनालिटिक्स पे स्पेशली। तो अगर आप लोगों को इस पैसा भी बेरेज में डबल है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, वेब ऐप डेवलपमेंट में इतना खास पैसा नहीं है जितना इन कामों में पैसा है, क्योंकि ये आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए चीज़ें बनाई जा रही हैं। अगर आप लोगों को शौक है कि आप मशीन लर्निंग या इमेज प्रोसेसिंग या इस तरह की चीज़ों पे आएं, तो आई वुड अर्ज यू कि यार आप लोग पाइथन सीखें, किसी एक लाइब्रेरी को पकड़ लें आप और उसमें मास्टर कर लें अपने आप को। डेटा साइंस का भी काम पाइथन पे ही हो रहा है सारा, तो जिस जितने भी आपके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं, आपकी जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो सब पाइथन के थ्रू होती हैं, लैंग्वेज तो पाइथन ही यूज़ होती है उन सब में। नाउ कमिंग टू नंबर वन पे मैं जावास्क्रिप्ट को रखूँगा। जावास्क्रिप्ट जो है ना वो मैं फील करता हूँ वो एक लैंग्वेज नहीं रही, वो एक ना पूरा समंदर बन गया। इतनी ज़्यादा उसकी लाइब्रेरीज और उसके रैपर्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं दुनिया में कि अगर इंसान ने एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनना है ना, सबसे पहले तो उसको एक हफ्ता लगा के सारे रैपर्स और लाइब्रेरीज को देखना पड़ेगा, उसके बाद उसको चूज करना पड़ेगा किसी एक लाइब्रेरी को। इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं यार जावास्क्रिप्ट। आप गूगल पे जाके लिखेंगे ना जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज, दर्जनों में लिस्ट आ जाएंगी, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे भाई कौन सी चूज करें कौन सी ना करें। सबसे फेमस बता दूँ ना जावास्क्रिप्ट की, फ्रंट एंड लाइब्रेरी ActJS। पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ये भी जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। फिर आते हैं एंगुलर पे, एंगुलर टाइपस्क्रिप्ट पे बेस्ड है, टाइपस्क्रिप्ट वो भी अल्टीमेटली कंपाइल जावास्क्रिप्ट पे ही होती है। फिर बैकएंड पे आते हैं, बैकएंड में Node.js बहुत मशहूर है, ये भी जावास्क्रिप्ट का ही, बैकएंड डेवलपमेंट के लिए जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। फिर आ जाएं Vue.js पे, ये भी एक जावास्क्रिप्ट का MVVM मॉडल फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड के लिए। और ये सब तो वो चीज़ें हैं जिस पर मैंने या तो काम किया है या फिर मेरी नज़र से गुजरी हैं, और इसके अलावा इतनी मौजूद हैं यार दुनिया में जिस पे काम हो रहा है जिसको शायद मुझे पता ही ना हो जिन कुछ के नाम। तो इसलिए मैंने इसको नंबर वन पे रखा है, क्योंकि रात को काम करके आते हो आप, सुबह उठते हो तो जावास्क्रिप्ट की एक नई लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस हुई होती है जिस पे काम भी हो रहा होता है। तो ये इस तरह का एक ना हॉक सा बना हुआ है पूरी दुनिया में जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अच्छी बात भी है बुरी बात भी है। बुरी इस तरह के यार बंदा क्या क्या सीखे यार, अभी वो एंगुलर पे परफेक्शन पूरी नहीं होती तो वो एक नई आ जाती है, रिएक्ट आ जाती है, दुनिया उस पर शिफ्ट हो जाती है। वो जो बेचारे ने इतने साल लगा के एंगुलर सीखी है वो रिएक्ट सीखे, रिएक्ट सीखने लगता है तो कुछ और नया आ जाता है, Express.js आ गई, वो पता नहीं क्या क्या आ गया है दुनिया में, लोग हर चीज़ पे काम कर रहे हैं। ये कुछ लैंग्वेजेस मैंने टॉप 5 चुनी इधर के हिसाब से जिन पे आजकल बहुत काम हो रहा है, और
मैंने सोचा कि यार चलो लग गया तो आपका ये क्वेश्चन भी एड्रेस हो जाएगा कि हम शुरू करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग, किस लैंग्वेज को चूज़ करें, कौन सी लैंग्वेज है जिसकी मार्केट में डिमांड है। तो यार इस तरह जो है ना टॉप फाइव, आप अपने हिसाब से इन टॉप फाइव में से कोई एक लैंग्वेज चूज़ कर लें। इस पर बहुत काम भी हो रहा है, इस पर जॉब्स भी बहुत अवेलेबल हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, थोड़ी सी आप लोगों को बेटर डिसीजन लेने में ये मदद करेगी। आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं मेरे बारे में कि मैं कहाँ से पढ़ा हूँ, कहाँ जॉब करता हूँ। तो यार मैं सोच रहा हूँ एक छोटा सा Q&A कर लूँ, अपने बारे में थोड़ा बता दूंगा, थोड़े आप लोगों के जो सवाल पूछे होंगे इंडस्ट्री से रिलेटेड या जो भी आप लोग क्वेश्चन दोगे उनको एड्रेस कर दूंगा। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ हर क्वेश्चन को अपनी किसी ना किसी वीडियो में एड्रेस कर दूँ, ताकि या मैं कॉमेंट में रिप्लाई कर दूँगा आपको उसी वक्त, ताकि एटलीस्ट देर ना हो आप लोगों को डिसीजन लेने में। तो बाकी फिर अगली दफ़ा मुलाकात होती है।